राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कवि तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। सुबह शाम जिसको हरि ध्यान होगा बड़ा भाग्यशाली वो इंसान होगा। सुबह शाम जिसको हरि ध्यान कितने दिनों में भगवान ने सुनी है। बड़ा दयालु है भगवान, सबकी सुनता है। लाखों में एक है बच्चा। अच्छा भाई, मैं चलता हूँ पंडित जी के पास जाकर इसकी जन्मपत्री बनवाता हूँ। रूड़ा राम, मुँह मीठा कब कराओगे? ये भी कोई कहने की बात है, वापसी में लड्डू लेकर आऊंगा। काकी, जच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है। लो एक रुपया, कपड़े तेरे लिए कल ले आऊंगा। रूड़ा राम जी, बहुत दिनों के बाद शुभ दिन आया है। हाँ भाई, बहुत दिनों के बाद ये शुभ घड़ी आई है। पंडित जी, पाया लागू। जीते रहो रूड़ाराम, आओ बैठो। आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। पंडित जी, बहुत दिनों में सुनी है भगवान ने आपके पोते ने जन्म लिया है। बड़ी खुशी की बात है रूड़ाराम। इसकी भविष्य के बारे में बताओ। रूड़ा राम, ध्यान पूर्वक सुनो, यह बालक सामान्य नहीं है। इसकी विचारधारा संतों जैसी रहेगी। इसका नाम भैरू राम रखना और इसके नाम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। इसका जीवन समाज कल्याण में व्यतीत होगा, परोपकारी इसके जीवन का लक्ष्य रहेगा। इस बच्चे पर ईश्वर की विशेष कृपा है। अच्छा पंडित जी, राम राम। इसी तरह से समय व्यतीत होता रहा और रूड़ा राम का लड़का भैरू राम 7 वर्ष का हो गया। बेटा भैरू राम। अरे ओ भैरू राम। हाँ माँ, बोलो। बेटा, गाय को खोलकर चराने ले जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। और हाँ, दोपहर में आ जाना, तब तक मैं तेरे लिए खाना बना दूंगी। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। Thank you.
आ गए भैरूराम, आज तो तुम देरी से आए हो। माँ ने मुझे अभी आदेश दिया था और मैं आ गया। ओ भैरूराम, यहाँ आंखें बंद करके बैठने आया है या गायें चराने? वो देख, तेरी गायें ने खेत में कितना नुकसान कर दिया है। अगर जमींदार आ गया ना तो तुझे बहुत मारेगा। काकी राम राम। राम राम। आओ बेटा बैठो, कैसे आना हुआ? काकी, कल तुम्हारी गाय ने खेत में बहुत नुकसान किया। बेटा भैरूराम, तुम कहाँ थे? काकी, ये गाय का ध्यान थोड़े रखता है, ये तो आंखें बंद करके बैठा रहता है। इसकी तरफ से तो गाय जहाँ मर्जी जाए। बेटा भैरूराम, भगवान ने ये दो नेत्र देखने के लिए दिए हैं और तू इन्हें हमेशा बंद रखता है। माँ, मन की भी तो आंखें हैं जिनसे पूरा ब्रह्मांड देखा जा सकता है। मैं उसी ब्रह्मांड की तलाश में रहता हूँ। ओहो बेटा, मुझे तेरी ये बहकी बहकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती। माँ, आंखें बंद करने से मुझे एक जोत जलती हुई दिखाई देती है। अच्छा काकी, मैं तो चलता हूँ, भैरूराम की बात मेरी तो समझ में नहीं आती। अच्छा बेटा, भैरूराम बेटा अब तुम भी आराम करो। ठीक है माँ। भाग्यवान, किस सोच में बैठी हो? आ गए स्वामी, आपने भी आते आते देर कर दी। हाँ देर हो गई, भैरूराम कहाँ है? थका हुआ था, सो गया। स्वामी, भैरूराम की क्या बात बताऊं? आज ये जब गाय चराने गया तो आंखें बंद करके बैठ गया और गाय ने खेत में बहुत नुकसान किया। ये तो शुक्र है कि वो जमींदार खेत में नहीं था, वरना तो उसमें तो बहुत क्रोध है। इस बात का मैं क्या उपाय करूं? मैंने तो इसके बारे में कई बार सोचा और एक ही निष्कर्ष निकला। क्या स्वामी? ये पिछले जन्म में अवश्य साधु था और इसकी भक्ति अधूरी रह गई। इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति पूरी करने के लिए इसने हमारे घर में जन्म लिया है। स्वामी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और हाँ, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है, क्यों ना हम इसे विवाह बंधन में बांध दें? ये मोह माया में फंसकर इधर उधर की बातें भूल जाएगा। हाँ स्वामी, आप ठीक कहते हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। मैं कल ही जाता हूँ, मेरा एक दोस्त बहरोड में है, वहाँ इसके विवाह की बात पक्की करता हूँ। हाँ स्वामी। तुम एक काम करो, इसे गायें चराने ना भेजा करो, ये खेत से झाड़ी काट कर ले आया करेगा। रात्रि होने को है, तुम भी आराम करो, मैं भी थका हुआ हूँ। आओ रूड़ाराम जी, सुनाओ क्या हाल है? बस जी, कृपा है भगवान की, अपनी सुनाओ। अरे ओ, सुनती हो क्या? देखो रूड़ाराम जी आए हैं। अजी आप बैठिए, मैं दूध लेकर आती हूँ। रूड़ाराम जी, पहले काम बताइए, कैसे आना हुआ? आप तो जानते हो मेरा आपका गहरा संबंध रहा है। रूड़ाराम जी, ये भी कोई कहने की बात है? इस बात को कौन नहीं जानता। देखो मित्र, आपके पास लड़की है, मेरे पास लड़का है, मैं रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं अपने लड़के के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। रूड़ाराम जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
हमारी बेटी आपके घर में जाए, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जी, आप जैसा सज्जन नेक हमारी लड़की का रिश्ता मांगे। ज्ञान बाई को मैंने बहुत लाड प्यार से पाला है। मुझे तो चिंता रहती थी कि मेरी बेटी को ना जाने कैसा घर बार मिलेगा। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। राम राम। राम राम। आगे स्वामी, आपने भी आते आते शाम ही कर दी। हाँ, बहरोड है भी तो दूर। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ रिश्ते की बात बनी या नहीं। हाँ, बात पक्की हो गई। कल ही सगाई और ब्याह का दिन निश्चित करने आएंगे वो। इस तरह से भैरू राम को छोटी ही उम्र में विवाह बंधन में बांध दिया जाता है, ताकि वो गृहस्थी की मोह माया में फंस जाए। परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो क्या? हाँ, कहो कौन सा खास काम है? खास काम तो कुछ नहीं, भैरू राम को आज खेत में भेज देना, झाड़ी काट कर लानी है। मैं किसी जरूरी काम से महेंद्रगढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तो दिन भी ठीक से नहीं निकला है। भैरू राम तो सोता ही नहीं है, जब देखो आंखें बंद करके बैठा ही रहता है। मैं उसे खेत में भेज दूंगी, और हाँ आप भी जरा जल्दी लौट आना। पिताजी, मैं आपकी बातें सुन रहा था, मैं खेत में जाकर झाड़ियाँ काट कर ही घर लौटूंगा। ठीक है बेटा, आज सारा काम करके आना। ठीक है पिताजी, मैं खेत में सारा काम करके ही घर लौटूंगा। बेटा, आज सारी झाड़ी काट के आना और मेरा मन खुश कर देना। अपने पिताजी की बात का ख्याल रखना। अच्छा बेटा, ठीक है माताजी, अभी जाता हूँ और सारी झाड़ियाँ काट कर लाता हूँ। बेटा भैरू राम, तुम्हें मालूम नहीं, तुमने पिछले जन्म में घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप तुम्हें इस जन्म में अपना जीवन समाज सेवा के लिए अर्पण करना होगा। तुम्हें अभी और तपस्या करनी है। मेरी प्रेरणा से तुम बाबा अघोरीनाथ के पास पहुंच जाओगे। जाओ बच्चा, जाओ।
अघोरी नाथ, भैरू राम कोई सामान्य बालक नहीं है। इसके पिछले जन्मों की तपस्या अधूरी रह गई थी, जो इस जन्म में पूरी होगी। तुम इसे शिक्षा दीक्षा में निपुण करो। बच्चा, इतने घोर जंगलों को पार करके इस पहाड़ी पर कैसे आई? हे गुरुदेव, मैं जिला महेंद्रगढ़ के गोठड़ी गांव से आया हूँ। बच्चा, इतनी दूर से यहाँ तक आने का कोई तो लक्ष्य जरूर होगा। हे गुरुदेव, मैं इस मोह माया के जाल से मुक्त होना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लो। बच्चा, ये भक्ति की राह बहुत कठिन है। हे गुरुदेव, ईश्वर भक्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। हाँ।
बच्चा, अगर मन में ये ठान ही लिया है तो ओम का जाप करो और अलग की सेवा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। ये लो भगवान वस्त्र और इन्हें धारण करो। इस दिशा में एक गांव है, वहां से अलख लेके आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। भाई, तुमने कहीं भैरू राम को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। आज कहीं नहीं देखा? नहीं, कहीं नहीं देखा। भैरू राम, भैरू राम। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। भिक्षाम दे। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। कमा कर नहीं खाया जाता, मांगने पर तुम्हें शर्म भी नहीं आती। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। हे योगी महाराज, ये लो, यही आटा बचा था घर में। माई, गुरु महाराज की कृपा से तेरे भंडारे भरे रहेंगे। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। स्वामी, भैरू राम का कुछ पता चला? नहीं, कहीं कुछ पता नहीं चला। हे भगवान। स्वामी, लो भोजन कर लो। तुमने भोजन कर लिया? स्वामी, मैं भैरू राम को हमेशा अपने सीने से लगा कर रखती थी। मेरी तो भूख प्यास उसके साथ ही चली गई। देवी, कब तक अंजल नहीं करोगी? स्वामी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। भैरू राम के बगैर घर खाने को आता है। देवी, मैंने उसे कहां कहां तलाश नहीं किया। महेंद्रगढ़ का एक एक गांव, एक एक गली छान मारी, कहीं भी तो पता नहीं चला। उसको किसी ने जाते हुए भी नहीं देखा। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको जमीन ने निगल लिया या आसमान ने उठा लिया। मुझे तो सबर ही नहीं आता। देवी,
मैंने उसकी बचपन में शादी इसलिए की थी कि वो मोह माया के जाल में फंस जाए, लेकिन उसने तो मोह माया के सारे बंधन तोड़ दिए। उसके लिए फूल जैसी सुशील बहू लेकर आया, उस पर क्या बीत रही होगी। स्वामी, एक काम करो, उसी पंडित जी के पास जाओ जिससे हमने भैरूराम की जन्म पत्री बनवाई थी, क्योंकि कई बार ग्रह भी इंसान को दुखी कर देते हैं। देवी, बिल्कुल ठीक सलाह दी है तुमने। ये भोजन उठाकर रख दो, मैं अभी पंडित जी के पास जाता हूँ। पाया लागू पंडित जी। जीते रहो रूड़ाराम, आओ बैठो। क्या बैठे पंडित जी, वक्त ने सब कुछ बदल दिया। रूड़ाराम, समय बलवान है, पल में क्या से क्या कर दे कुछ नहीं पता। अब देखो, भगवान श्री राम 14 कला संपूर्ण होना था राजतिलक और हो गया वनवास, ये सब ग्रहों का खेल है। पंडित जी, आज भैरूराम को घर से लापता हुए 18 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं। उसकी जन्मपत्री देखो, कोई ग्रह उसको परेशान तो नहीं कर रहा। मैं अभी देखकर बताता हूँ। रूड़ाराम, ध्यानपूर्वक सुनो। सूर्य उसके 4th स्थान पर बैठा है, इससे ये साबित होता है कि उसका नाम चारों दिशाओं में होगा और इसके लिए उसने ईश्वर भक्ति प्रारंभ कर दी है। स्वास्थ्य है उसका बिल्कुल ठीक है और वो इस समय पूर्व दिशा में है। फिर तो पंडित जी, वो अवश्य साधु बन गया। ये तो रूड़ाराम, मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बहुत बड़ा सिद्ध योगी बनेगा। अच्छा पंडित जी, चलता हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा। रूड़ाराम, उसकी बिल्कुल चिंता ना करो, 12 वर्ष के बाद वो अवश्य घर पे आएगा। अच्छा पंडित जी, राम राम। राम राम। हे गुरुदेव, मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया। हे गुरुजी, मैं अपने बेटों को कहाँ कहाँ ढूंढूं, कहाँ गया मेरा लाल। हे गुरुजी, कुछ तो बताओ। हाल गया
देवी कब तक यूं चिंता में बैठी रहोगी? स्वामी आप आ गए, कुछ बताया पंडित ने? हाँ, वही बताया जिसका हमें डर था। क्या बताया पंडित जी ने? पंडित जी ने उसकी जन्म कुंडली बड़े ध्यानपूर्वक देखी। उन्होंने बताया इस समय पूर्व दिशा में है और ईश्वर भक्ति में लीन है, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। स्वामी वो घर में भी आंखें बंद करके बैठा रहता था। देवी ये भी अच्छा हुआ कि वो सत्य के मार्ग पर है। संसार में देखो कोई लुटेरा बन जाता है, कोई बच्चा बचपन में ही चोरियां करने लगता है। तुम तो धन्य हो, तूने ऐसे लाल को जन्म दिया। चलो भोजन लेकर आओ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया और तुम भी भोजन कर लो। भगवान के सामने किसी की नहीं चलती। वत्स जी गुरुदेव, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में घमासान युद्ध हुआ। उनका युद्ध सत्य और असत्य का था, जबकि पांडव 5 भाई थे और कौरव 100 थे। पांडव सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे और कौरव असत्य के मार्ग पर। आखिर में जीत किसकी हुई गुरुदेव? जीत तो वत्स हमेशा सत्य की ही होती है। सत्य में गुरुदेव इतनी शक्ति होती है। वत्स सत्य ही ईश्वर है। जी गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं सदा सत्य के पथ पर ही चलूंगा। चलो अब विश्राम करो, रात्रि हो चुकी है। जो आज्ञा गुरुदेव। समय यूं ही गुजरता रहा और भैरू राम 12 वर्ष तक तपस्या में लीन रहे। देखते ही देखते वो जवान हो गए। हे स्वामी, ज्ञान बाई अब जवान हो चुकी है, दामाद भैरू राम का अब तक कोई पता नहीं चला। भाग्यवान, मैं भी सोचता ही रहता हूँ जवान बेटी को कब तक घर पर रखें। स्वामी इसका रिश्ता कहीं ना कहीं तो करो। ठीक है, मेरे एक मित्र ने लड़का बताया है, मैं कल ही जाकर इसका रिश्ता पक्का कर देता हूँ। और करें भी क्या। ठीक है स्वामी, हम चिंता से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी जाता हूं। भैरू राम, मैंने महसूस किया है कि शायद तुम्हें माता पिता की याद आ रही है। हाँ गुरुदेव, आपके पास मुझे 12 वर्ष हो गए और रात सौपन में मेरी माताजी मुझे दिखाई दी, वो काफी व्याकुल थी। भैरू राम। जी गुरुदेव। माँ आखिर माँ ही होती है, उसकी आत्मा अपनी औलाद के प्रति बहुत ही कोमल होती है। वो अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है और मोह तो उसमें होता ही है। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। दक्षिण दिशा में मोतीनाथ जी अपनी घोर तपस्या में लीन है। जी गुरु जी। वत्स उनके पास जाओ, वही आपको चीरा देंगे और कुंडल धारण कराएंगे, वही तेरे भेग के गुरु होंगे। अब जाओ और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा। आदेश गुरुजी। आदेश। भाग्यवान, रोने से क्या होगा,
तुमने रो रो कर अपनी ये हालत बना ली। मैं क्या करूं स्वामी, आज भैरू राम को पूरे 12 वर्ष हो गए हैं, कहाँ है, किस हाल में है, कुछ भी पता नहीं। भगवान, वो जहाँ भी है वो कुशल मंगल है, वो सामान्य बालक नहीं है। स्वामी वो तो ठीक है, मुझे तो कई बार ज्ञान बाई का भी ख्याल आता है। हमारी बहू 2 दिन भी हमारे घर सुख चैन से नहीं रह पाई, क्या गुजर रही होगी उसके दिल पर। क्या गुजर रही होगी, कन्या तो पराया धन है, कौन अपनी बेटी को अपने घर रख सकता है। भैरू राम के ससुर ने भी भैरू राम को कहां कहां तलाश नहीं किया, वो भी बेचारा हार कर बैठ गया, और उसने हार कर ज्ञान बाई का रिश्ता दूसरी जगह कर दिया है। ये तो बहुत बुरा हुआ स्वामी। दूसरा उपाय भी क्या है, उसने ठीक किया, भैरू राम का कब तक इंतजार करें। स्वामी मेरी तो आत्मा ये कह रही है कि मेरा बेटा भैरू एक दिन जरूर आएगा। चलो सो जाओ। बहुत ज्यादा अंधकार छाया हुआ है, यहाँ से आगे जाना ठीक नहीं है, यहीं विश्राम करते हैं। भाई तुम यहाँ रात को कैसे बैठे हो, यहाँ रात को भूत आएगा तेरे को खा जाएगा, या तो तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो या जा यहां से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं यहां भक्ति में लीन हूं और भक्ति में लीन रहूंगा, भूत आएगा उसकी मर्जी, मुझे खाए या छोड़े आप जा सकते हैं। जैसी तेरी मर्जी भैया। भगवान, हे भगवान, अगर मेरे को खाने से आपके पेट की ज्वाला मिटती है तो आप मुझे खा सकते हैं। हे भगवान, ये शरीर तो नाशवान है। तुम हमारी परीक्षा में सफल हुए, आज तलक मुझे किसी इंसान ने नहीं पहचाना, तुमने मुझे पहचान लिया। मांगो, क्या वर मांगते हो। हे भगवान, मैं तो आपसे एक ही वर मांगता हूं, सदा ही सदा आपके चरणों में बैठा रहूं और जन कल्याण का कार्य करता रहूं। तुम्हारे सभी कार्य संपूर्ण होंगे, तथास्तु। प्रणाम भगवान। आदेश गुरुदेव। आदेश वत्स, कौन हो, कहां से आए हो। हे गुरुदेव, मैं माउंट आबू की पहाड़ी से आया हूं। वत्स, तुम्हारे मस्तक पर इतना तेज, ये कैसे संभव हुआ। हे गुरुदेव, मैं वहां पर मेरे गुरुदेव श्री श्री 1008
अघोरी नाथ जी की शरण में रहता था, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि भेक का गुरु धारण करो। हे गुरुदेव, आप सिद्ध योगी हैं, मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे दर्शन धारण कराओ, मुझे अपना शिष्य बनाओ गुरुदेव। वत्स, ये तो तुमने बहुत ही कठिन प्रश्न किया है। हे गुरुदेव, मैं अपना सारा जीवन भक्ति व समाज कल्याण के लिए व्यतीत करना चाहता हूँ। वत्स, अगर यही मन में ठान लिया है तो ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है? हे गुरुदेव, मेरा जन्म का नाम भैरू राम है। वत्स, आज से संसार तुम्हें गरीबनाथ के नाम से जानेगा, अलग की सेवा करो। जो आज्ञा गुरुदेव। बेटा गरीबनाथ। जी गुरुदेव। मैंने तुम्हें भेक का शिष्य स्वीकार कर लिया है। कुंडल तेरे कानों में पहना दिए हैं, अब आज के बाद तुम दर्शनी योगी कहलाओगे। 12 वर्ष से तुमने माता पिता के दर्शन नहीं किए, सबसे पहले अपने गांव जाकर माता पिता के दर्शन करो और उनका आशीर्वाद लेकर विश्व का भ्रमण करो और समाज का कल्याण करो। नर सेवा ही नारायण सेवा है। जो आज्ञा गुरुदेव। आदेश महाराज। आदेश बच्चा। अरे बच्चा, इसी गांव गोठड़ी में रहते हो क्या? हाँ बाबा जी, इसी गांव में रहते हैं। बच्चा, इस गांव में रूड़ाराम व राधा देवी रहते हैं, क्या आप उनको जानते हो? हाँ महाराज, वे तो हमारे पड़ोसी ही हैं। अच्छा बच्चा, ये लो प्रसाद, उन्हें जाकर कहना एक संत आया है और वो आपको याद कर रहा है। काकी, राम राम। राम राम। काकी, ये लो प्रसाद, एक साधु ने दिया है, वो आपको और काका जी को याद कर रहे हैं। अच्छा बेटा, कहाँ है वो साधु? काकी, 5 पीरों वाला जोड़ है ना, वहीं पे धुना लगा रखा है। ए जी, सुनते हो क्या? एक साधु 5 पीरों वाले तालाब पर आया है, उसने आपको और मुझे बुलाया है, जल्दी चलो, हो सकता है हमारा भैरू राम आया हो। क्यों पागलों जैसी बातें करती हो, 12 वर्ष बीत चुके, भैरू राम की याद दिलाकर क्यों मेरे दिल को ठेस पहुंचाती हो? अजी चलो ना, क्यों इनकार करते हो, मैं भैरू राम की माँ हूँ, हर पल मेरी आंखों में भैरू राम रहता है। चलो ना, हो सकता है वही साधु हमारा भैरू राम ही हो। तुम्हारी ये हट मुझे और परेशान करेगी, अगर तुम नहीं मानती तो चलो। स्वामी कुछ देर ठहरिए, मैं दूध ले लेती हूँ। मेरा भैरू राम न जाने कब से भूखा प्यासा होगा।
अजी देखो देखो स्वामी, वो मेरा बेटा भैरू राम ही है। बेटा आंखें खोलो। हे माता, होश में आओ। बारह वर्ष में तुझे माँ की कभी भी याद नहीं आई क्या? हे माँ, मैं भक्ति में लीन रहा, वे अपने गुरु की सेवा में 12 वर्ष बीत गए, उन्हीं की आज्ञा से मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमारे दिल पर क्या गुजरी तुम जानते हो? पिताजी, ईश्वर के लेखों को कौन टाल सकता है? फिर आपको तो खुशी होनी चाहिए कि मैंने भक्ति का रास्ता चुना, जो एक सच्चा मार्ग है। जाओ माता, शाम हो चुकी है, ये धुना यहीं रहेगा, समय निकाल कर फिर आ जाना। बहन ज्ञानबाई, क्या कर रही हो? आओ बहन, आओ बैठो। क्या बात है, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। खुशी तो है ही, पहले मुंह मीठा कराओ। ऐसी कौन सी खुशी है? भैरू राम जीजा जी आए हुए हैं। सच? कहाँ है वो? तेरी ससुराल में तालाब के पास धूना लगाए बैठे हैं, उन्होंने जोग ले लिया। बहन, तू तो जानती है मेरे माता पिता ने मेरा दूसरी जगह रिश्ता तय कर दिया है, कल ही मुझे लेने के लिए आएंगे। मैं कैसे मिलूं अपने पति परमेश्वर से? इसका तो ज्ञान भाई एक ही उपाय है। क्या है, जल्दी बताओ। तू घर से आरने चुगने मेरे साथ चल। काकी से मैं कह दूंगी, और तू वहां जाकर अपने पति से मिल तो ले। ठीक है, तू मेरी मदद तो करेगी ना? मैं ये एहसान तेरा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कमाल करती है बहन, सहेली का भी कभी एहसान होता है क्या? वो देख माँ आ गई। राम राम काकी। राम राम बेटी। काकी, मेरी एक ही तो सहेली है ज्ञानबाई, और कल ये ससुराल चली जाएगी, हम आरनी चुगने जाएंगी। सहेली की काकी 100 बातें होती हैं। लेकिन जल्दी आना बेटी। ठीक है काकी, जल्दी ही आएंगी। ये सीधा रास्ता अब तेरी ससुराल जाएगा, ध्यान से जाना। तू माँ को संभाल लेना। तू उसकी चिंता छोड़, मैं सब संभाल लूंगी। हे स्वामी,
मुझ पर दया करो। हे माता, तुझे तो कल ससुराल जाना है, यहाँ किस लिए आई हो? हे स्वामी, आपके होते हुए मैं अपने पतिव्रता धर्म को कैसे त्याग दूं? आपके सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? हे माई, मैं तो गृहस्थ आश्रम को त्याग चुका हूँ, तुझे गृहस्थ जीवन बिताना है। स्वामी दया करो, मैं आपके बगैर कैसे जीवन बिताऊंगी, मुझे अपने साथ रखो। काम करो, घर जाओ और सास ससुर की सेवा करो। सास ससुर की सेवा पुण्य का काम है। जाओ घर जाओ, सायंकाल हो चुकी है। जो आज्ञा स्वामी।